ओके वेलकम बैक दर्शन मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूँ दर्शन सोनी और अभी आप देख रहे हो दर्शक, और अभी हम लाइव है एक जगह पर। उन्होंने कॉल आया थी कि उन्होंने एक सांप को देख लिया है। आइडेंटिफाई करने में सबको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि सबका कलरेशन बहुत ही अलग होता है। तो अभी इसके नीचे थोड़ा बहुत कचरा आप देख सकते हो। मैंने आगे भी अपने वीडियो में बोला है कि कृपा करके आप अपने घर के आसपास इस तरह का कचरा जो आपका काम का नहीं हो या फिर ऐसा कूड़ा हो जहाँ पर जैसे कि लाइक पुराने मकान का कचरा या फिर नए मकान का कचरा जो डाल देना चाहिए वो आपने नहीं डाला, तो कृपा करके उसको यहाँ से साफ कर दीजिए क्योंकि वहीं सांप को रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और वहीं पर वो पनपता है और बड़ा होता है। कभी कभार आपको दिखाई देता है पर वो वहीं पर रहता होगा। तो मेरी आपसे विनती है कि यदि आपके घर के आसपास ऐसा कुछ कूड़ा हो या फिर ऐसे कोई लकड़ी का ढेर हो या फिर पत्थर का ढेर हो, सब कुछ हटा दिए चौमासे आने से पहले, और ऐसे भी ना रखे जो आपको काम का नहीं हो, तो उसको तुरंत उसकी जो जगह है कूड़ेदान की वहीं पर उसको निकाल कर दीजिए। चलिए फिलहाल तो करते हैं हम इसको रेस्क्यू और इसको छोड़ देंगे इसकी नेचुरल जगह पर। तो मैं आपको बता दूं कि हर जो सांप हम रेस्क्यू करते हैं इंसान के आसपास से, वो इंसान के आसपास ही पला बड़ा होता है और वहीं पर बड़ा होता है और उनके आसपास ही रहता है। तो हम इसे कितना भी दूर करें तो फिर वो ऐसी इंसान की जगह ढूंढ लेगा क्योंकि वहीं पर वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव होता है, इसलिए वो इंसान के आसपास तो उसकी मुठभेड़ होती रहेगी। सिर्फ अब सुधरना यानी कि समझना हमको है कि उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे रेस्क्यू किया जाए, उसको कैसे मारे नहीं, उसका आइडेंटिफाई अच्छी तरह से कर ले ताकि वो बच सके और मर ना जाए। चले करते हैं इसको रेस्क्यू। ये इसके पीछे है चले फिर कर लिए इसको सेफली रेस्क्यू और उसको छोड़ देंगे इसकी नेचुरल जगह पर क्योंकि ये एक पानी का सांप है। इसका नाम है चेकर किलबैक। हमें यहाँ पर इसकी लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं डेंडू, पानी का डेंडू, और इसको हिंदी में बोलते हैं मीठे पानी का सांप, जो इंसान के आसपास नदी नालिया छोटे मोटे जहाँ पर जो पानी के जो भरे रहते हैं वहीं पर रहता है। और चले फिलहाल तो इसको चलते हैं, इसको छोड़ देंगे इसकी नेचुरल जगह पर। बाकी की बात छोड़ते समय आओ जो बाकी बैक आ गए हम इसको रिलीज करने के लिए। तो आप अच्छी तरह से इनसे पहचानने लगे हो इस सांप को। ओके वो आ रहा है, आ रहा है, क्या बात है, अच्छी सी उसने छलांग लगाई वो सीधा प्लास्टिक के अच्छे बाहर। थैंक यू। और मेरी आपसे फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको आप घर पे ट्राई ना करें, ये बहुत ही जोखिम भरा है। नज़दीक के वन विभाग या फिर रेस्क्यू टीम को बुला लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खूब अगर के आप मेरे सभी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले आप सभी नवी वीडियो देख सकें। बने रहे आप दर्शक के साथ, खुश रहिए, सतर्क रहिए, आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए, इनसे बचते रहिए, एनवायरनमेंट में थोड़ी बहुत हेल्प कर दीजिए। हमारा पर्यावरण मित्र है ताकि जो जहरीला नहीं है वो भी नहीं मर सके और ये भी बच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खूब अगर के बने रहे दर्शक के साथ। अब जो